मध्य प्रदेश का 69वां स्थापना दिवस इंदौर जिले में रविवार को मनाया गया। सांस्कृतिक आयोजन के बीच मनाए गए इस स्थापना दिवस पर प्रदेश की प्रगति और विकास का संकल्प लिया गया। देखिए खास रिपोर्ट। आयोजन में प्रदेश के मंत्री तुलसी सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष दीपावली होने से राज्य सरकार ने सभी जिलों को 1 से 3 नवंबर के बीच मनाने के निर्देश दिए थे। इंदौर जिले ने 3 नवंबर को प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया। शासकीय अवकाश होने के कारण कर्मचारियों और अधिकारियों की उपस्थिति कम रहने की आशंका थी। इससे कलेक्टर आशीष सिंह ने शनिवार को आदेश जारी किया था कि प्रदेश के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। इस आदेश का ऐसा असर हुआ कि रविंद्र नाट्य गृह छोटा पड़ गया। हमारा मध्य प्रदेश, हम सबका मध्य प्रदेश एक जयकारा लगना चाहिए कि नहीं? मध्य प्रदेश, जरा जोर से जय मध्य प्रदेश। आज 1 तारीख, कल थी स्थापना दिवस, हम मनाने जा रहे हैं। 1 दशक में, 7 दशक में 1 वर्ष का 69वां स्थापना दिवस, मैं आप सबको मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कर्मठ जुझारू महाकाल के बेटे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं। आप जानते हैं हम गौरवशाली हैं, हमारे राष्ट्र का हृदय स्थल आपका मध्य प्रदेश, हमारा मध्य प्रदेश, हम सबका मध्य प्रदेश संपन्न भी है, ऊर्जावान भी है, विकसित भी है, यहाँ कला भी है, यहाँ संस्कृति भी है, क्रांति भी है, समर्पण भी है, त्याग भी है, तपस्या भी है, जल भी है, और फिर क्लीन और ग्रीन। क्यों महापौर जी, भारत के पटल पर एक बार नहीं 7 बार स्वच्छता का झंडा आपके कारण बना, ये मध्य प्रदेश, यह इंदौर। जब हृदय स्थल देश का हो, एक का नेतृत्व हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, और मध्य प्रदेश का नेतृत्व डॉक्टर मोहन यादव जी करते हैं। दिल्ली भी आपकी है, भोपाल भी आपकी है, विकास और प्रगति का जो एक सपना मध्य प्रदेश ने देखा था कि राष्ट्र के पटल पर आपका मध्य प्रदेश की पहचान हो, उसका मध्य प्रदेश का गौरव बढ़े, मध्य प्रदेश का मान बढ़े, मध्य प्रदेश का सम्मान बढ़े, इस दिशा में हम सबका मध्य प्रदेश वो स्थान, वो मुकाम भारत के राष्ट्र की चतित पर स्थापित आपके आशीष से हो चुका है। और यहां पर मैंने कहा 69वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के बहुत ऊर्जावान जल संसाधन मंत्री सम्माननीय तुलसी सिलावट जी, इंदौर क्षेत्र क्रमांक 3 के लोकप्रिय विधायक गोलू शुक्ला जी, संभागीय कमिश्नर दीपक जी, इंदौर के जिलाधीश आशीष सिंह जी, हमारी अपनी नगर निगम के कमिश्नर शिवम वर्मा जी, और यहाँ इस सदन में उपस्थित इंदौर शहर के प्रबुद्ध नागरिक, अलग अलग विभागों के सभी वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी, मातृशक्ति और नौजवान दोस्तों,
किसी भी संरचना में मध्य का, हार्ट का या दिल का जितना महत्व है, उतना ही अपने मध्य प्रदेश का इस भारत में महत्व है। और ये मध्य प्रदेश केवल नक्शे में बीच में आता है इसलिए मध्य प्रदेश नहीं है, ये देश के दिल की धड़कन है। और ये ऐसा एक स्थान है जहाँ से पूरे देश को कई सारे विविध रंग, आयाम, संस्कृति और ऊर्जा देने का काम यहाँ के अलग अलग समय पर हुए कई सारे लेखक, कवि, क्रांतिकारी और कई लोगों की ऐसी शहादत जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसकी एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। उस पर अलग से कभी अवसर मिलेगा तो हम सब चर्चा करते रहें। गीत, संगीत, कला, क्रांति, इन क्षेत्रों के लोगों के बारे में तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश दिवस मनाना सार्थक होगा। मैं अपनी ओर से, पूरे इंदौर की ओर से आप सभी को अपने प्रदेश की स्थापना दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और इस बात को कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि भारत के संविधान में जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उस फेडरल स्ट्रक्चर में या भारत के संविधान की जो पहला आर्टिकल है उसकी पहली लाइन को भी हम पढ़ेंगे तो वो है, भारत गणराज्यों का संघ है। पहले गणराज्य हुआ करते थे, अब अलग अलग प्रदेश हैं, तो इनकी जो ताकत है वो भारत की ताकत है। तो हम जितनी अपने मध्य प्रदेश की ताकत बढ़ाएंगे उतनी भारत की ताकत बढ़ेगी। और मुझे विश्वास है कि हमारे अपने मध्य प्रदेश के बहुत यशस्वी, ऊर्जावान और मूल संस्कृति की आधार पर विकास की अवधारणा को लिखने वाले डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कई क्षेत्रों में नंबर वन है, जिनमें नहीं है उसमें भी नंबर होगा। इस शुभकामनाएं के साथ आप सबको बहुत धन्यवाद। आदेश में लिखा था कि आयोजन स्थल पर सभी अधिकारियों कर्मचारियों की उपस्थिति ली जाएगी। हॉल के अंदर और बाहर दोनों ओर भीड़ जमा थी। स्थापना दिवस के अवसर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। आज हमारे लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस पूरा मध्य प्रदेश की आम जनता के साथ हम मना रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश के ओजस्वी और तेजस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की ओर से मध्य प्रदेश के भाइयों और बहनों को इस गौरव दिवस की बधाई और शुभकामना देता हूं। और जो देश के प्रधानमंत्री का संकल्प विकास और प्रगति का हो, मध्य प्रदेश उसमें उस संकल्प को पूरा करने के लिए पूरा काम करेगा। और जो विकास और प्रगति मध्य प्रदेश की हो रही है, पूरे मध्य प्रदेश के 1.5 करोड़ जनता का आशीष हमारी भाजपा सरकार को मिल रहा है। फिर से मध्य प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई स्थापना दिवस। कलेक्टर आशीष सिंह और निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने भी शहरवासियों को स्थापना दिवस की बधाई दी। उन्होंने सभी से शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ प्रदेश की प्रगति को लेकर सतत कार्य करने का संकल्प दिलाया। स्थापना दिवस यहां पर मनाया जा रहा है, सर क्या कुछ किस तरीके से मनाया जा रहा है? 69वें स्थापना दिवस पर मध्य प्रदेश के मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लिहाज से, चाहे यहाँ की कल्चर हो, चाहे यहाँ के लोग हों, चाहे यहाँ के दूसरी चीज़ें हों, उन चीज़ों को सेलिब्रेट करने का एक माध्यम है ये स्थापना दिवस, जो शासन के द्वारा चालू किया गया है। और आज इसी अनुक्रम में स्थापना दिवस का आयोजन यहाँ पर किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर जितने भी हमारे शासकीय कर्मचारी हैं वो सभी भाग ले रहे हैं। और बहुत जल्दी यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होगा जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया है और साथ में मध्य प्रदेश गान भी होगा। देखिए, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है, हम सब बहुत गौरवान्वित हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी शासकीय कर्मचारी हों या आम पब्लिक हो, सब लोग आज आए हैं यहाँ पर और सभी लोग पूरे खुशी और उल्लास के साथ अपना स्थापना दिवस सेलिब्रेट करेंगे। आज हम लोग सभी लोग आज प्रेरणा भी लेंगे कैसे मध्य प्रदेश को हम आगे ले जाएं, और अपने प्रयासों से और सभी जनमानस के सहयोग से हम लोग कैसे हर फील्ड में, हर उसमें आगे बढ़ें। और जो मध्य प्रदेश की जनता है, जो हमारे इंदौर शहर की सम्मानीय जनता है, उनको हम लोग अच्छे से अच्छी सेवाएँ दें, इसी का प्रण लेंगे आज। हालांकि भाई दूज और रविवार के दिन आयोजन करने पर कर्मचारियों में नाराजगी भी देखी गई। कलेक्टर के आदेश के कारण ही अधिकतर कर्मचारी इस आयोजन में मजबूरी में शामिल हुए।
ब्यूरो रिपोर्ट एमपी न्यूज़ इंदौर।